नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई को किया गया। इस समारोह में शामिल हुए गेस्ट की लंबी लिस्ट अब सामने आई है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को समारोह में शामिल होने का इनविटेशन दिया गया। इनमें एनडीए और विपक्षी पार्टियों के द्वारा शासित सभी राज्य शामिल हैं। साथ ही इस समारोह में लोकसभा और राज्यसभा के फॉर्मर अध्यक्ष और सभापति भी शामिल हुए। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ ही सभी मंत्रालयों के सचिवों ने भी अपनी उपस्थिति को दर्ज किया। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के चीफ आर्किटेक्ट बिमल पटेल के साथ ही टाटा संस के फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा भी समारोह में शामिल हुए। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसको डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा इंडस्ट्री के पास था। वैसे विपक्ष की 21 पार्टियों ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह का विरोध किया था, क्योंकि उन सभी पार्टियों की मांग थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाए। वैसे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग देश की धरोहर है, जिसका सम्मान करने की सभी को जरूरत है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। वैसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।